बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है अभी ये ट्रांसफर विंडो अभी ऐसा पॉइंट आ गया है कि ऐसे लग रहा है कि भाई खत्म ही हो जाए ट्रांसफर विंडो ताकि ये सब जो रोज हम जो रूमर्स पढ़ते हैं कि ये प्लेयर अवेलेबल है ये प्लेयर अवेलेबल नहीं है कोई लंडन जा रहा है फ्लाइट में किसी की शादी है इसलिए जा रहा है रोज रात को कोई ना कोई नया लिंक आता है जो भी हो रहा है जल्दी हो जाए बटली uh, बेनफ्रीकाइन किया है uh, और हम ग्लैडबैक के दो मिडफील्डर्स के साथ लिंक है नोया हाउस के साथ तो लिंक्ड है नहीं बट नाम बहुत बार आया बट रिसेंटली कोने के बारे में लिंक्स आए हैं और ग्लैडबैक uh, ने अगर मिडफील्डर साइन किया है तो इज इट बिकॉज दे थिंक वन ऑफ द मिडफील्डर्स इज गोना गो आर लिवरपूल जेनवली इंटरेस्टेड इन कौन है आई डोंट नो आई डोंट नो अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस चीज को बिलीव करे uh, निधि और मैं बात कर रहे थे कि हम एक्चुअली थक गए लाइक <laughs> ये जो इंटायर मिडफील्ड टॉक हैज बिकम वेरी स्ट्रेसफुल बट हमें साइन करना चाहिए करना पड़ेगा बिकॉज हमने जो अभी वीडियो बनाया था रिसेंटली अबाउट फिक्शर पाइलअप और फिक्शर पाइलअप अभी से लेके ऑगस्ट सॉरी नवंबर फिफ्थ सो दो महीने पांच और दिन हम सत्रह मैचेस खेल रहे हैं सत्रह और अगर एथ uh, नवंबर तक ले ले तो अठारह विच इंक्लूड अ थर्ड कॉम्पिटिशन दैट इज दी आर प्लेंग और ये सब के बीच में एक इंटरनेशनल ब्रेक है और इंटरनेशनल ब्रेक हम जानते हैं कि दस बारह चौदह दिन होता है सो एक्चुअली छह हफ्तों में सात हफ्तों में वीर गोने बी प्लेंग सेवेंटीन मैचेस और हमारा जो लक है बैड लक इतना खराब है हम जानते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक में अभी कुछ भी हो सकता है जो गो हम इसको पूछिए तो अगर हम इतने मैचेस खेल रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट गेम्स लीग में तो अभी हर एक गेम इंपॉर्टेंट है तो लीग के छह मैचेस है और फिर लीग कप का एक मैच है तो ये तीन कॉम्पिटिशन है जिस जो हम लोग वी कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल्टर वी कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप एनी मोर पॉइंट हमें बॉडीज चाहिए हमें प्लेयर्स अवेलेबल चाहिए स्टार्ट ऑफ द सीजन में ही हमने देखा कि इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए अभी कोर्टिस इज बैक इन ट्रेनिंग पता चला मैटिप इज ऑल्सो बैक इन ट्रेनिंग बट रियालिटी ये है कि हमें थियागो और जोटा चाहिए। वो खेलेगा जो गेम कल है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे uh, मेरे हिसाब से जोटा के लिए वो गेम थोड़ा जल्दी आ गया मैटिप के लिए भी बट वी नीड थियागो बैक वी नीड जोटा बैक और रीसेंट रिकॉर्ड से पता चलता है कि दे आर प्रोन थियागा तो इज प्रोन टू इंजरीज जोटा भी थोड़ा प्रोन है टू निगिल और टू सो so ये सब अगर आप देखो सत्रह गेम ऑलमोस्ट इन सिक्स सेवन वीक्स वी नीड टू वी नीड टू गेट अ साइनिंग मिडफील्डर इन बट अभी तो दो या तीन ही दिन रह गए आई थिंक सेप्टेम्बर सेकेंड इज द लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो सो एज द डेज गो बाय एज दीडियोज गो बाय लाइवलीहुड बहुत कम लग रहा है बट जूलियन वाइगिल इज ज्वाइनिंग क्लैटबैक तो उसका मतलब ये हो सकता है कि क्लैटबैक आलिंग टू लेट गो वन ऑफ दिड फील्डर्स ओनली टाइम इन टेल वेदर दैट है अगर कोई नई फ्रेश इंजरी नहीं है तो मेरे हिसाब से न्यूकासिल के अगेंस्ट सेम टीम ही होगी

जैसे लग रहा है अभी तो नहीं होने वाला तो बहुत मुश्किल होने वाला है फ्रॉम हियर ऑन टिल द एंड ऑफ द सीजन एंड वी वुड हैव मिस्टर ट्रिक फॉर श्योर फॉर श्योर एंड इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू मिस ट्रिक बट न्यूकासल कमिंग अप टुमारो एंड इट्स इंपॉर्टेंट गेम वी नीड ऑल थ्री पॉइंट्स एंड इट वोंट बी इजी इट बी इजी एट ऑल we saw against manchester city they played really well and recently against wolves as well a late on draw for them said maxima form so both interesting game ga. traditionally this is an entertaining high scoring game and expect goals so i'm going to see you tomorrow after the game until then up the creds